डियर स्टूडेंट्स, मैथ का रोज़ाना का लेक्चर आप इधर से अपना रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसको चैनल को सब्सक्राइब करके साहा कॉलेज चैनल का नाम है, वहाँ से आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तमाम रेलेवेंट सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे जो आज से हम कर रहे हैं। मैं आपको बेटे चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ, जो आपके चैप्टर अभी रहते थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसके बारे में, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम पढ़ते हैं सीक्वेंसेस के बारे में, मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं। मतलब जैसे पहली सीक्वेंस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने नंबर्स हैं हमारे पास, ये भी एक तरतीब के साथ लिखे जाते हैं। जैसे एक सीक्वेंस आपके पास आ जाती है ऑड नंबर्स की, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एक सीक्वेंस है। इन सीक्वेंसेस को तरतीब में लाते हुए मैथमेटिक्स हमें कहता है कि किसी भी किस्म की सीक्वेंस हो तो उसको आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर ये एक सीक्वेंस हो, 3, 6 आ जाए, 9 आ जाए और चलते जाएं, इसकी अगली दो टर्म्स आपने मालूम करनी हो तो आपके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप पीछे देखें कि 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा, 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद 18 एंड सो ऑन, 3, 3 आप ऐड करते जाए, इस सीक्वेंस में 3, 3 ऐड होंगे। इसी तरह अगर मैं और कोई एक एग्जांपल लिखूं, वो होगी 1, 2, 4, 8। मैं इनको देखते हुए पहले को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 2 के साथ, 8 बना, 8 को 2 के साथ करूंगा तो अगली टर्म बनेगी, इसको 2 के साथ करूंगा उससे अगली टर्म बनेगी। तो ये आपके पास सीक्वेंसेस हैं। अब इन सीक्वेंसेस को बेस करते हुए अगर हमें वो कहता है कि एक सीक्वेंस में पहली टर्म A1, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1, दूसरी को बोलते हैं A2, तीसरी को बोलते हैं A3, 4, A5, A6, इसी तरह जो भी लास्ट टर्म हो उसको हम AN के साथ प्रेजेंट करवाते हैं। तो देखें बेटे, आपके पास AN जो है ये किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म होती है। अब AN अगर आपको वो देता है 3N+1, वो कहता है ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, इसको बेस करते हुए आप सीक्वेंस मालूम कर दें तो आपके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप N की जगह 1 लिखें तो आपके पास 3 × 1, 3 + 1 आपके पास क्या मिला, 4। तो ये पहली टर्म आपके पास कैलकुलेट होगी किसी भी सीक्वेंस की। उसके बाद N की जगह अगर आप 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 + 1 तो 3 × 2 + 1 तो आपके पास 7। तो ये सेकेंड टर्म आ गई। अगर आप N की जगह 3 को इंसर्ट करते हैं तो 3 × 3 + 1 तो ये आपके पास क्या बना बेटे, आपके पास बना जी ये 10। तो A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 7, 10। ये एक सीक्वेंस जनरेट हो गई इसको nth टर्म कंसीडर करके। तो ये बेटे आपके पास कोई भी इस तरह की nth टर्म हो, जैसे कि 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी तरह का, उसमें nth टर्म दी हुई है, आपने 1, 2, 3, 4, 5 पुट करनी है तो आपके पास सीक्वेंस आ जानी है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का है, वो कहता है इंडिकेटेड टर्म मालूम करें। देखें बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है 6.1 का, उसमें वो कहता है जी एक सीक्वेंस है जी 1, 3/2, 5/4, 7/8। वो कहता है इसकी आठवीं टर्म बताएं, इसकी आठवीं टर्म। अच्छा देखें बेटे, आप देखें वन ने, आपने पहले देखना कि पीछे सीक्वेंस चल कैसे रही है, तो फिर आप नेक्स्ट मालूम कर सकते हैं। देखें 1/1 है तो 1 में ऊपर तो 2, 2 + हो रहे हैं, नीचे 2 के साथ देखें मल्टीप्लाई, 2 × 1, 2 आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 बना, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 बना। अगर मैं इसी को आगे चलाऊं तो ये 2, 7 में 2 + करने से 9 बनता है और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है। अगर ऊपर देखूं तो 9 में 2 + करने से 11 और ये 32 और इसी तरह आपके पास इससे अगली टर्म जो है वो 13/64, इससे अगली 15/128। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो आठवीं टर्म होगी
वो आपके पास आ जाएगी 15 ओवर 128। तो ये देखें बेटे इस तरह की सीक्वेंसेस हैं। अब कुछ और सीक्वेंसेस जैसे कि 1 है -1 है, उसके बाद आपके पास आ जाता है 5 आ जाता है, इसके बाद -5 आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है 9, उसके बाद आ जाता है -9, और वो कहता है जी इसकी भी आठवीं टर्म मालूम करें A8। तो आप देखें बेटे पहले तो आप ये तय कर लें कि आठवीं टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वालों को लेके लिख लें, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को लेके लिख लें। जैसे हमारे पास 1 5 ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठवीं टर्म तय हो गया कि नेगेटिव होगी, तो मैं नेगेटिव को ही लिखता हूँ नीचे। तो नेगेटिव की अगली टर्म -1 में -4 ऐड हुए -5, -5 में -4 ऐड हुए तो -9, -9 में -4 ऐड होंगे तो -13 जो है वो इस सीक्वेंस की 8th टर्म बनेगी। ठीक है बेटे, कल मैं आपसे एक क्वेश्चन दे के आऊँगा 6.1 के। तो अब आप 6.1 की जो है वो मतलब प्रिपरेशन कर लें इसको बेस करते हुए इस लेक्चर को। अगर कुछ समझ ना आए चीज़ उसके बारे में, आप व्हाट्सएप ग्रुप है सार कॉलेज का बॉयज़ का और गर्ल्स का, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दें, मैं उसी रेलिवेंट आपको लेक्चर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच जी, मेरा बेटा इसको करके और कल तक वेट करें बेटे।